तो हेलो यारो, कैसे हो? तो स्वागत है आपका एक और नए गेम प्ले वीडियो में। तो इस गेम प्ले में हम लोग आए होते हैं ओल्ड बिजनेस में। ओल्ड बिजनेस में पहले की तरह फिर से कोई बंदा आया नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत लूट लूट कर लेते हैं। और लूट लूट करने के बाद हाँ, यहाँ पर हमें कुछ बॉट्स दिख जाते हैं, तो चलो जल्दी से उन बॉटों को निपटाते हैं और फिर बढ़ते हैं दूसरे बंदे की तरफ। और हम लोग जाएंगे ई स्पोर्ट, क्योंकि वहाँ पर हुआ होता है फ्लेयर ड्रॉप और एक सरकारी ड्रॉप भी वहाँ पर हुआ होता, तो जाना तो बनता। तो बस देखो उस बंदे को कैसे बढ़ते हैं। और हम लोग आ जाते हैं बग्गी लेकर यहाँ पुनोट्री साइड में ओल्ड बेसिन से, और हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक डाश, और डाशा लेकर हम लोग चले जाते हैं ई स्पोर्ट में। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वहाँ पर एक ही बंदा होता है, और यार आप लोग ये पूरा गेम प्ले एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बहुत ही इंटेंस होने वाला है ये गेम प्ले। हर तरफ से हमें पड़ रही होती है, तो बस देखना कैसे हम लोग वो मूवमेंट सर्वाइव करते और चिकन डिनर निकालते, तो बस देखना। और यहाँ पर सोलो भी स्क्वाड खेलने वाला एक बंदा रहता है, या फिर इसके साइड टीममेट मर गए होते हैं, तो बस देखो इस बंदे को कैसे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बहुत इजीली इस बंदे को भर लेते हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पर एक ही बंदा होता है, मैं इससे ग्रोजा उठा लेता हूँ भाई। तब तो देखना अब हम लोग इस ग्रोजा से अब एस्टेल के वाले को मारने हो रहे हैं, वो भी एंड में मैच के। मैं मारता हूँ उसको और हम लोग यहाँ से लूट पुट करके थोड़ा बहुत और लूट पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वेस्ट आप लोग देख ही रहे होंगे लेवल 1 का है। तो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत लूट पुट करता था, तो मुझे तो याद नहीं मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता लेवल 2 का वेस्ट। मगर हम लोग चले थे नॉर्थ में, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ गन शॉट के साउंड आ रहे होते, तो बस देखो वहाँ पर बंदों को कैसे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग उस एनिमी की गाड़ी लेकर यहाँ आ जाते हैं, और हमें यहाँ पर एक बग्घी दिख जाता है जिसमें एक ही बंदा होता है, तो हम लोग इसके पीछे लग जाते हैं। और मैं इसके ऊपर कुछ शॉट्स भी लेता हूँ ग्रोजा का, जो कि पूरा का पूरा बेकार रहता है। और ये बंदा साला इतना मतलब वो रहता है कि इतना डरपोक रहता है कि वो जाके चुपचाप से वहाँ पानी में घुस जाता है और ना जाने कहाँ चल जाता है। और उसके बाद इस बंदे के बाद हमारे ऊपर रश हो जाता है दूसरे डुओ का, तो फिर बस देखना यार उन बंदों को भी कैसे बढ़ते हैं। तो बस ये बंदा तो अब यहाँ से भाग जाएगा, तो इसको तो हम लोग नहीं मार पाते, मगर शायद इस बंदे के टीममेट्स लोग हमें वहाँ पर मारने के लिए आते, तो बस देखना उन बंदों को कैसे बढ़ते हैं। तो फिर आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, वहाँ स्नाइपिंग टावर से एक गाड़ी मेरे ऊपर आ चुका है रश करने के लिए। और जब भी ऐसा कोई सीन शॉट अगर कुछ बने आपके साथ, तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, अपने हाथ में एक नेट कुक करना, और जहाँ पे वो गाड़ी रुकी वहीं पर सीधा फेंक देना थोड़ा सा ज़्यादा कुक करके, और बस देखो क्या होता है फिर। और ये बंदा नॉक हो जाता है यहाँ पर, और नॉक होने के बाद मेरा टीममेट भी यहाँ पर, उन बंदों ने मेरे टीममेट को भी नॉक कर दिया। तो मैं एक और नेट अपने कंफर्मेशन के लिए फेंक देता हूँ यहाँ पर, मगर इससे थोड़ा बहुत डैमेज ही जाता है उनको, तो फिर कुछ होता नहीं है, वो भी मेरे टीममेट को जाता है डैमेज। तो फिर यहाँ पर मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और जो बंदा रहता है उसको मेरा भाई नॉक कर देता है, और यहाँ पर ये डुओ यहीं पर फिनिश हो जाती है। और इसका तो कुछ टीममेट जो रहता है वो भाग गया होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था। तो फिर बस देखो, और यहाँ पर अब होने वाला है गलत सीन। तो मैं नीचे ग्रेनेड फेंक देता हूँ कोपचे से, यहाँ जो आपको छोटा सा गैप दिख रहा होगा इन दोनों, ये जो क्या है पता नहीं कुछ भी है जो यहाँ पर, वहाँ से कोपचे से मैं गेंद फेंक देता हूँ। गेंद फेंकने के बाद दोनों किल कंफर्म हो जाता है मेरे और मेरे भाई दोनों के। तो मैं यहाँ से M4 उठाता हूँ, M4 उठाने के बाद हम लोग चले जाते हैं सीधा अपार्टमेंट में, जहाँ आपको नॉर्थ हिल का अपार्टमेंट दिख रहा होगा वहाँ हम लोग चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद देखो क्या ही गलत सीन होता है। तो फिर आप लोगों को सामने जो स्नैपिंग टावर दिख रहा होगा, जी हाँ वो इतना बड़ा सा जो स्नैपिंग टावर वहाँ जो दिख रहा होगा, वहाँ पर उसके एकदम टॉप में रहता है बंदा, और हमें यार
क्या लग रहा होता कि बंदा सामने और हमारे ऊपर अभी मॉली वॉली भी फेंका जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा मॉली फेंका गया हमारे ऊपर, तो ये वही सब बंदा फेंक रहा था। तो अब हम लोग सोच रहे थे कहाँ है भाई ये बंदा, मेरे तो नहीं सो पल्ले पड़ रहा। तो मुझे शक हो रहा था कि सामने पेड़ में एक बंदा होता है मगर वहाँ पर कोई होता नहीं है। तो मेरा भाई पता नहीं कहाँ ही गोली चला रहा था, मैं उसके सामने सामने चला जा रहा था और सामने आपको एक अपार्टमेंट दिख रहा हो वहाँ पर बंद है। तो फिर अब हमारा सैंडविच सिचुएशन वाला और हमारा नंबर 3 जो टीममेट रहता है वो अब वहाँ पर फिनिश हो जाता है, उसे ये स्नैपिंग टावर वाला फिनिश कर देता है, पूरा नॉक फिनिश दोनों डाल देता है। और मेरे को अब वो स्नैपिंग टावर वाला बंदा दिख जाता है थोड़ा बहुत, मेरे को शक हो जाता है और मेरे को उसका खोपड़ी भी दिख जाता है थोड़ा सा। तो मैं जिसमें उसको मारने का ट्राई तो करता हूँ मगर कुछ होता नहीं है उसको, तो बस देखना। तो फिर हम लोग वहाँ से फॉल बैक कर लेते, तो हम लोग फॉल बैक करके यहाँ अपार्टमेंट साइड में आते हैं। अपार्टमेंट साइड में आप लोगों को जैसे मैंने बोला था यहाँ पर बंदे होते हैं, तो वो हमारे पर कुछ शॉट्स लेंगे, तो बस देखो। तो भाई साहब मैंने उन दोनों बंदों को ही बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर दिया था और मैं यहाँ पर एक हीलिंग लगा लेता हूँ। और ये मेरा भाई जो थोड़ा बहुत कवर फायर मेरे को दे रहा था, और मैं इसे अब मैं यहाँ पर एक स्मोक कर देता हूँ। स्मोक करने से हमें क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाता है। हमें डर था कि वो अब स्नैपिंग टावर वाला हमें ना कहीं से उंगली करने लगे पीछे से। तो हम पर जैसे आप लोग देख रहे हो ग्रेनेड वेनेड भी आ रहे थे हमारे ऊपर, और शायद वो लोग भी डुओ ही था। और उन तो भी बस देखो हम लोग कैसे यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। मैं यहाँ स्मोक कर देता हूँ अब, तो बस देखो। तो फिर मैं स्नैपिंग टावर वाले के ऊपर एक कुछ शॉट्स देने का ट्राई तो करता हूँ मगर वो पता नहीं शायद मेरे को ग्लिच के कारण कहीं से दिख रहा होगा। और वो स्नैपिंग टावर वाला पता नहीं क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ा हुआ था, मेरे को वो गोली चला ही नहीं रहा था। और मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि चलो उन अपार्टमेंट्स वालों के ऊपर थोड़ा सा राइट फ्लैंक मारा जाए और मेरे को यहाँ पर थोड़ा बहुत कवर मिल जाता है, मगर मैं नहीं मार सकता था उनको क्योंकि अपार्टमेंट में सोलो रश करना एक स्क्वाड के ऊपर भाई बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैं यहीं पर अब थोड़ा देर रुक जाता हूँ, और रुकने के बाद यहाँ पर जब जोन स्टार्ट होता है और हम लोग वहाँ जोन में जाने लगते हैं, मैं एक स्मोक करने का ट्राई करता हूँ अपने भाई के ऊपर मगर वो बहुत दूर रहता है, जो तो स्मोक करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है यहाँ पर। और एक बंदा मेरे को दिख जाता है यहाँ पत्थर में लेटा हुआ, जो कि मैं बता देता हूँ अपने भाई को। और फिर चलो थोड़ा सा गेम को आगे लेके चलते हैं क्योंकि अब बोरिंग सीन है सब, तो बस देखो। तो फिर मैं अपने भाई को बोल देता हूँ कि भाई जोन जान सबको जोन जाने दे, हम लोग लास्ट में जाएंगे एकदम पीछे से मारेंगे सबको। तो फिर ये प्लान हमारा काम भी आता है यार, हम लोग चिकन डिनर निकाल लेते हैं। और फिर ये पत्थर में जो बंदा है तो वो हिल नहीं रहा था, तो उसको मैं अब नॉक करता हूँ, तो बस देखो। तो फिर अब मैं अपने भाई को बोल देता हूँ कि भाई जो लास्ट बंदा है वो सड़के वाला, तो भाई थोड़ा सा दूरी बना के रखना। और मैं अपने नॉक को थोड़ा बहुत फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, मेरे को सामने पेड़ में आपको बंदा दिख गया होगा पक्का। और फिर मैं चला जाता हूँ ग्रोदा लेकर और मैं थोड़ा बहुत दूरी बना के इनसे फाइट करता हूँ, बस देखो यार कैसे मैं इनको इसको मारता हूँ। तो फिर हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे गेम प्ले, और दूसरे गेम प्ले में लोग ओल्ड बेसिन तो उतरते हैं मगर वहाँ पर कोई बंदा आता नहीं, और हमें थर्ड में सारे के सारे गेट जो होते हैं खुले हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो फिर हम लोग पता चल जाता है यहाँ पर कोई ना कोई बंदा तो है और मैं बंदा दिख भी जाता है। तो फिर बस देखो इन बंदों को कैसे भरते हैं। और फिर यार लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को तो यार लाइक कर देना, और बस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे को यहाँ पर बंदा दिख जाता है तो मैं वहाँ कर देता हूँ, और मैं एक बंदा नॉक करता हूँ। और फिर मेरा प्लान रहता है रश करने का मगर तभी मेरे को कहीं से बहुत ज़बरदस्त पड़ दिया, तो बस देखना। और ये यही ब्राउन वाला घर का बंदा होता है और जो मेरे को मतलब तो बहुत सारा डैमेज दे देता है। और इस बंदे का एक बंदा जो रहता है वहाँ रेफ करने चला जाता है ब्लू वाले घर में, और वो बंदा फिर से खड़ा हो जाता है और हम लोग यहाँ पर फिर से फाइट लेने लगते हैं, और मेरे को यहाँ पर एक ही किल मिल पाता है। तो बस देखना है कैसे स्क्वाड को फिनिश करते हैं। स्मोक के पीछे, स्मोक के पीछे, हाँ उस वाले से पहले मैं enemy down
enemies ahead. तो मैं इस बंदे को मार देता और मेरा यहाँ पर 2 किल हो जाता, क्योंकि मैंने वहाँ पीछे एक बॉट भी नॉक किया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा ठीक से तो। और हमारे ऊपर अब होने वाला थर्ड पार्टी, क्योंकि वहाँ जो सेंट्रल रोड के सामने आपको जो ब्राउन वाला घर दिख रहा है ना, वहाँ पर भी आ जाता है एक स्क्वाड। और यार हम लोग जोन में रहते हैं, और यार आपको जैसे भी पता होगा ट्रिगर डिसिप्लिन थोड़ा कम है मेरे पास, तो मगर है थोड़ा बहुत है, आप लोग चिंता मत करना, थोड़ा बहुत है। और यहाँ पर हमें एक बंदा दिख जाता है जिसके ऊपर मैं कुछ शॉट्स लेता हूँ, और यहाँ पर कुछ बॉट भी आते हैं। चलो पहले तो जल्दी जल्दी उन बॉट को निपटाते हैं और फिर वो थर्ड पार्टी वाले स्क्वाड को। और भाई साहब अब यहाँ पर एक बोट आता है, यानी कि एक नौका, मतलब जो मिलता है वहाँ पर, पता नहीं कहाँ मिलता है नौका, वहाँ एक बोट आता है। तो बस देखो उन बंदों को कैसे बढ़ा। तो फिर इन बंदों के टीममेट्स अब जो होते हैं वो हमारे पर कुछ शॉट्स ले रहे होते हैं, और फिर मैं थोड़ा बहुत थोड़ा लेफ्ट फ्लैंक करने का इनके ऊपर ट्राई करता हूँ, क्योंकि एक बंदा आप लोगों ने देख लिया होगा वहाँ पत्थर में भी है। तो ये वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सोचता हूँ लेफ्ट फ्लैंक मारने का, और मेरे भाई के पास शायद कोई टीममेट होता है, क्योंकि वो जिस तरह से मेरे को बुला रहा था उस टाइम, पता नहीं नशे में था वो कुछ। और ये शायद जो इसके पास जो बंदा था वो वहाँ पानी तैर के वहाँ पत्थर के साइड में चल रहा था, जो मेरे को अब दिखता है। तो बस देखना उसके ऊपर मैं कुछ शॉट्स लेता हूँ। अरे यहाँ पे दो हैं, ध्यान से। तो इसके ऊपर मैं कुछ शॉट लेता हूँ, मगर ये यहाँ पर बच के चला जाता है यहाँ पर। और फिर अब यहाँ पर जोन भी स्टार्ट होने लगा 30 सेकंड में, और यहाँ पर एक बॉट दिखता है जिसको मैं सीधा फिनिश डाल देता हूँ। और यहाँ पर पत्थर वाले को मैं पिन करके एकदम था कि भाई तू ना चेहरा दिखा दे, मैं पूरा स्प्रे भाई मार दूंगा वहाँ पर। और ये मेरा टीममेट जो रहता है यहाँ पर नॉक हो जाता है, तो उसको मैं रेफ कर देता हूँ, और भाई बहुत मुश्किल से रेफ करता हूँ उसको। तो बस देखना। तो फिर मेरा भाई यहाँ पर एक किसी एक टीममेट को नॉक कर देता है उस एनिमी वाले को, और फिर यहाँ पर मैं रेफ करने आ जाता हूँ। यार देखो मेरा भाई का नशे, मतलब क्या ही बोला जाए, पानी से कौन रश करता है, मेरा भाई कौन रश करता है, मेरे तो नहीं पता। तो यहाँ पर ये तो वो बंदे इसको फिनिश कर दो, तो फिर क्या करना है भाई, उसका बदला तो भाई लेना पड़ेगा अब। तो मैं पूरा ठान लिया था भाई अब इस स्क्वाड को भाई मैं ही पूरा का पूरा क्लच मारूंगा। तो बस देखना, मैं यहाँ पर एक मॉली फेंक देता हूँ जिससे कि ये बंदे थोड़ा बहुत दूर जाएं यहाँ से, और मैं चला जाता हूँ सीधा लेफ्ट, पूरा एकदम राइट से मैं जाता हूँ इनके। तो मेरे को एक बंदे का खोपड़ी दिखता है, तो बस देखना उसको मैं क्या ही स्प्रे मारता हूँ, पूरा हेड ही हेड मार देता हूँ उसको। तो बस देखना, और यार उस स्प्रे के लिए आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा। और मैं थोड़ा पीछे से थोड़ा वहाँ राइट से जा रहा था पानी से, तो आप लोग बस देखना। मैं ट्रैक्टर के सामने से जा रहा हूँ, कवर दो, फ्रॉस्ट कवर दे। एक मर गया होगा, फिर एक पीछे भाग गया। तो भाई साहब इस बंदे का ना खाली खोपड़ी दिख रहा था, और मैं यार क्या ही स्प्रे मारता हूँ। और मेरे को पता था इस ब्राउन वाले घर में भी एक बंदा रहता। तो फिर आप लोगों ने देखा होगा मैंने अपने साइको भाई का जो आवाज़ है वो थोड़ा सा जोर किया था कहीं पे, वही एक चीज़ होता है कि आपको जिससे पता लग सकता है। और यहाँ पर एक स्क्वाड रहता है, मतलब पूरा का पूरा स्क्वाड रहता है। तो बस देखो कैसे भरते हैं। तो फिर आपको ये वाला स्क्वाड भाई कैसा लगा, तो आप लोग यार मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। और फिर यहाँ पर हमारा 8 किल हो जाता है, और यहाँ पर हर बार चिकन डिनर तो भाई देखो होना पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम लोग मर जाते हैं, और हम लोग मर जाते हैं वहाँ जोन के बाहर। अगर मैं वहाँ पर थोड़ा सा पहले स्मोक कर दिया तो शायद ये भी चिकन हो जाता मेरा। तो बस आप लोग देखना, मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
निकल निकल निकल, अबे मैं पागल बना रहा हूँ उनका, चलना जोन खा गया है।